दोस्तों, हाइब्रिड पनीरी काश्त करने के लिए थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा दरकार होता है, और दूसरा थोड़ा सा खर्चा भी ज़्यादा दरकार होता है, और मेहनत भी थोड़ी सी दरकार होती है। लेकिन देसी पनीरी जो है वो जल्दी काश्त हो जाती है और जल्दी तैयार हो जाती है, और कम खर्चे में, कम तैयारी में, कम मेहनत में तैयार हो जाती है। तो हाइब्रिड बीज ज़्यादा मेहनत मांगते हैं, खर्चा भी ज़्यादा होता है, और हाइब्रिड बीज महंगे भी हैं। तो इसके लिए हम थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा कर लेते हैं कि हाइब्रिड के बीज की जर्मिनेशन फुल हो, लेकिन देसी बीज की जर्मिनेशन थोड़ी सी मेहनत से ही हो जाती है, और ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। सिर्फ क्यारियाँ बनानी पड़ती हैं, उसके ऊपर बीज गिराकर और कलर वगैरह डालकर, जिसे जो के गोबर वगैरह का सफूफ होता है उसे डालकर, तो छटा डाल दिया जाता है। उसके बाद पानी लगा दिया जाता है, पानी 2 या 3 पानी के अंदर वो पनीरी तैयार हो जाती है। ज़्यादा मेहनत नहीं दरकार होती, और क्यारियों की शक्ल में उसे काश किया जाता है। देसी एक कुदरती चीज़ है, जो कि हाइब्रिड जो कि दोगला जानदार है, जिसमें 2 बीजों का आपस में मिलाप करके, इंफ्रारेड शॉ के ज़रिए मिलाप करके बीज को तैयार किया जाता है। लेकिन देसी बीज प्योरली होता है, जो कि खालस वही होता है बीज जो कि पौधे पे से उतारा जाता है। तो देसी बीज की जर्मिनेशन क्यारियों में तकरीबन 80% हो जाती है, तो इसके लिए ज़्यादा मेहनत भी दरकार नहीं होती। दूसरा, देसी बीज सस्ता भी होता है। सबसे बड़ी वजह हाइब्रिड बीज काश्त करने की यह है कि हाइब्रिड बीज में आज के मौसम के मुताबिक कुवत मुदाफ़त बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन देसी बीज में कुवत मुदाफ़त बहुत ही कम होती है, जिसकी वजह से वो बीमारियों का जल्दी शिकार हो जाता है। तो इसके लिए हाइब्रिड बीज काश्त किए जाते हैं, और देसी बीज की औसत कम होती है, हाइब्रिड बीज की औसत ज़्यादा होती है। हाइब्रिड बीज की खसूसियत ये होती है कि 2 अच्छे जानदार लिए जाते हैं, 2 अच्छे पौधे लिए जाते हैं, ज़्यादा कद वाला पौधा और ज़्यादा फल वाला पौधा। दोनों पौधों के बीजों को आपस में क्रॉस कराया जाता है। क्रॉस कराने के बाद एक अच्छी नस्ल का पौधा, मतलब बीज तैयार किया जाता है, जिससे अच्छी नस्ल का पौधा तैयार हो जाता है। तो उस पर खर्चा लागत आने की वजह से हमें रेट ज़्यादा भरने पड़ते हैं। सीड जाहिर सी बात है महंगा खरीदना पड़ता है, तो महंगा खरीदने की वजह से इसीलिए मेहनत भी ज़्यादा सेंसिटिव रहना पड़ता है, मेहनत इसके लिए ज़्यादा करनी पड़ती है, और ज़्यादा बेहतर अंदाज में इसे काश्त करना पड़ता है। देसी बीज क्योंकि पौधों पे से लिया जाता है, जिस तरह लिया जाता है वैसे ही काश्त कर दिया जाता है, इसलिए ज़्यादा मेहनत भी दरकार नहीं होती। दूसरा, जर्मिनेशन भी हो जाती है, इसी तरह जर्मिनेशन हो जाती है क्यारियों की शक्ल में। ये मेरी बैक साइड पर आप क्यारियाँ देख सकते हैं, ये हम तैयार कर रहे हैं, अभी तैयार हुई नहीं, देखिए। और ये देसी बीज तैयार होगा, देसी बीज प्याज का भी तैयार हो जाता है, मिर्च का भी तैयार हो जाता है, टमाटर का भी तैयार हो जाता है, गोभी का भी तैयार हो जाता है, बैंगन का भी तैयार हो जाता है, ये सारे देसी बीज इसमें तैयार हो जाते हैं। लेकिन वही मसला आ जाता है कि इसमें कुवत मुदाफ़त बहुत ही कम होती है, क्योंकि बीमारियों के ख़िलाफ़ ये सही तरह लड़ नहीं सकता है। हाइब्रिड बीज के अंदर क्वालिटियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, खसूसियत बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो हाइब्रिड बीज के अंदर खसूसियत ज़्यादा होने की वजह से ये बीमारियों के ख़िलाफ़ कुवत मुदाफ़त भी रखता है, और औसत बहुत ज़्यादा देता है। औसत इसकी देसी बीज से कहीं ज़्यादा आती है, इसलिए लोग ज़्यादातर हाइब्रिड बीज को ही प्रेफर करते हैं। लेकिन जायके की बात की जाए तो जायका तो ज़्यादा देसी का ही होता है, देसी देसी होता है, हाइब्रिड का जायका नहीं होता। सिर्फ खुशनुमा होता है, ओस से भरपूर होता है, ओस से ज़्यादा दे देता है, खुशनुमा होता है, जिसकी वजह से मार्केट में डिमांड इसकी बहुत ज़्यादा होती है, शो कलर होने की वजह से। देसी होता है वो इतना शो कलर नहीं होता, और दूसरा जायके के लिहाज से बहुत बेहतर है देसी बीज, जो कि जान पहचान रखने वाले हैं देसी चीज़ों के, वो ज़्यादातर देसी यूज़ करते हैं। उनका टेस्ट देसी बीज का टेस्ट, देसी खुराक का, कोई भी खुराक ले लें, देसी खुराक देसी देसी होती है, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन हाइब्रिड ज़्यादा औसत होने की वजह से, और ज़्यादा खुशनुमा डिमांड, मार्केट में डिमांड ज़्यादा होने की वजह से हाइब्रिड काश्त की जाती है, उसका रेट भी ज़्यादा मिलता है, और दूसरा औसत भी बहुत ज़्यादा होती है, जो कि काश्तकार के सारे खर्चे और जो अखराजात होते हैं वो पूरा करने के बाद अच्छा खासा मुनाफा भी दे जाता है। लेकिन देसी बीज मुनाफा देता तो है, लेकिन बहुत ही कम मिकदार में, और देसी बीज पे मेहनत भी कम होती है, बीज भी सस्ता आता है, तो इसके बाद प्रॉफिट भी कम होगा। क्यारियाँ अभी तैयार हो रही हैं, ये 8x6 की क्यारियाँ हैं, 8 फुट लंबी और 6 फुट चौड़ी ये क्यारियाँ तैयार की हैं, और दरमियान में, 2 क्यारियों के दरमियान एक नाली निकाली है, जिसके ज़रिए पानी लगाया जाएगा। ये एक लाइन के अंदर 34 क्यारियाँ तैयार हो गई हैं, 190 फुट की लाइन है,
34 क्यारियां तैयार हो चुकी हैं। इस तरह नाली के दोनों साइड पे 68 क्यारियां तैयार हैं। हर दो क्यारियों के बीच में से एक नाली निकाली गई है, जिसके ज़रिए दोनों साइड वाली नालियों क्यारियों को पानी लगेगा। तो इन क्यारियों को लेवल करने के बाद इसके अंदर बीज को गिरा दिया जाएगा। बीज को गिराने के बाद बीज को छट्टा इस तरह दिया जाएगा कि क्यारी में तमाम बीज फैल जाए। उसके बाद इस पे गोबर, जानवरों का गोबर का छट्टा दिया जाएगा, जो कि सबूब की शक्ल में होगा, जिसे छानने के ज़रिए छान लिया जाता है ताकि बीज पे ज़्यादा वज़न ना गिरे। ज़्यादा वज़नी गोबर गिरेगा तो बीज की जर्मिनेशन अच्छी नहीं होगी। तो सफ़ूब बना के छान के छानने से, जो कि मिस्त्रियों की रेत वगैरह छानते हैं और सीमेंट वगैरह छानने के लिए काम आता है, वो छानने के ज़रिए छान के इसे इसके ऊपर गिरा दिया जाता है। बीज को अच्छी तरह ढांप दिया जाता है, उसके बाद इसे पानी से भरा दिया जाता है। इसको पानी एंड तक दिया जाता है। ये बनियाँ हैं, इन बनियों के ऊपर तक पानी चढ़ा दिया जाता है, यहाँ तक पानी लगा दिया जाता है ताकि क्यारी फुल हो जाए। क्यारी फुल होने के बाद इसे छोड़ दिया जाता है और एक घंटे के बाद दोबारा उसी जगह तक भरा दिया जाता है पानी के साथ। तो उसके बाद इसे छोड़ दिया जाता है, 8 से 9 दिन के अंदर जर्मिनेशन हो जाती है। जर्मिनेशन तकरीबन 80% हो जाती है देसी बीज की, अगर सही तरह काश्त किया हो तो। ये पगडंडी वगैरह निकाली गई है ऊपर, ये दरमियान में रुकावटें हैं क्यारियों की, ताकि पानी एक क्यारी से दूसरी क्यारी में दाखिल ना हो जाए। इस तरह ये दो रो के अंदर, एक रो के अंदर 34 क्यारियाँ, दो रो के अंदर 68 क्यारियाँ बनाई हुई हैं। इन क्यारियों में आप कोई भी बीज काश कर सकते हैं, देसी कोई भी बीज काश कर सकते हैं, हाइब्रिड भी काश कर सकते हैं, लेकिन हाइब्रिड की जर्मिनेशन अच्छी नहीं आएगी। तो बेहतर है आप हाइब्रिड बेड पे, जो के पटड़े बनाते हैं, उन पटड़ों पे काश करें लाइनें वगैरह लगा के। लेकिन देसी बीज के लिए ये बेस्ट है। देसी बीज पटड़ों पर नहीं काश किया जाता, वो ज़्यादा मेहनत भी लगती है और दूसरा तैयार भी नहीं होता सही तरह। और जर्मिनेशन देसी बीज की, मज़े की बात यह है कि जर्मिनेशन देसी बीज की पटड़ों पे बहुत ही कम आती है, लेकिन क्यारी में बहुत ही ज़्यादा आती है। ये गोभी काश की हुई है, गोभी आप देख सकते हैं, ये लाइनों के अंदर कपास वाली खेलियाँ निकाली गई हैं और गोभी को काश किया गया है। ये गोभी की गोडी हो चुकी है। ये देखें गोभी के पौधे, छोटे छोटे पौधे खड़े हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, गोडी हुई पड़ी है। ये सारा खेत गोभी का है, वो एंड तक सारा खेत गोभी का है। ये वाला, ये फुल सर्दी के अंदर तैयार होके आ जाएगी, तकरीबन नवंबर के एंड में तैयार होके आ जाएगी। टोटल खेत गोभी का है, ये लाइनों के अंदर लगाई गई है और गोडी हो चुकी है जहाँ पे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, लाइक आप लाजमी किया कीजिए, क्योंकि इस तरह की मैं इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहता हूं तो मेरा हौसला बनता रहेगा। लाइक करने से आपको कुछ, आपका कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन मेरा हौसला बन जाएगा। इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो के मतलब आपका कोई भी क्वेश्चन हो आपके दिल में, आपके जहन के अंदर, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, मैं आपका इंशाल्लाह जवाब दूँगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं कि किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।